आज मैं बनाने जा रही हूँ मोस्ट पॉपुलर स्ट्रीट फूड पाव भाजी। तो देखते हैं इसे बनाने के लिए हमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट चाहिए होंगे। 4 उबले हुए आलू, 2 प्याज, 3 टमाटर, कैप्सिकम, जिंजर गार्लिक पेस्ट, नमक, पाव भाजी मसाला, हल्दी, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, हरा धनिया। आज इसे मैं लोहे की कढ़ाई में बनाऊंगी। यदि आपके पास लोहे का तवा है तो आप उसका भी यूज कर सकते हो। 2 टेबलस्पून ऑफ ऑयल डालेंगे, उसके साथ ही हम बटर डाल देंगे। प्याज डाल देंगे, जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल देंगे 1 टेबलस्पून, प्याज के सॉफ्ट होने तक पका लेंगे। प्याज सॉफ्ट हो चुके हैं, अब हम इसमें शिमला मिर्च डाल देंगे और टमाटर डाल देंगे। इसको ढक के पका लेंगे जब तक टमाटर सॉफ्ट ना हो जाए। देखिए प्याज टमाटर अच्छे से गल चुके हैं। अब हम इसमें मसाले डाल लेंगे। 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1/2 चम्मच धनिया पाउडर, 1 टेबलस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, पाव भाजी मसाला 2 टेबलस्पून, किसी भी ब्रांड का चलेगा, और नमक स्वाद के अनुसार। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मैशर की हेल्प से सब्जियों को अच्छे से मैश कर लेंगे। अब हम इसमें आलू मिला देंगे। यहां मैं 5 लोगों के लिए बना रही हूं। तो मैंने उस हिसाब से आलू लिया है। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। थोड़ा सा पानी डाल देंगे, 1/2 कप। मैशर की हेल्प से अच्छे से मैश करना है। थोड़ा सा हरा धनिया डाल देंगे। देखिए सब्जी हमारी बहुत अच्छे से मैश हो चुकी है। अब हम इसमें पानी मिला लेंगे।
हाफ कप बटर डाल देंगे। पाव भाजी में जितना ज्यादा बटर होगा उतना ही अच्छा लगता है। हरा धनिया डाल देंगे और इसे ढक के 2 मिनट के लिए पका लेंगे। देखिए हमारी भाजी रेडी है, अब हम पाव को फ्राई कर लेंगे। तवा गर्म होने के लिए रख देंगे, बटर डाल देंगे थोड़ा सा। चारों तरफ से फैला देंगे, थोड़ा धनिया डालेंगे, थोड़ा सा भाजी डाल देंगे। अच्छे पाव को मैंने इस तरह से बीच से कट कर दिया है, उसे रख देंगे, अच्छे से सेक लेंगे। रेडी है मोस्ट पॉपुलर स्ट्रीट फूड पाव भाजी।